हेलो, हाय। हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार, आदाब, कैसे हैं आप? भावना गुड फील में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं करती हूँ आपका स्वागत और आपके लिए बनाती हूँ आज दाल चावल, तो हो जाइए रेडी। तो देखिए, आज मैं बनाती हूँ आपके सामने दाल चावल। इसके लिए ली है मैंने ये मसूर की दाल। ये मसूर की दाल है, इसे हम कुकर में डाल के धो लेते हैं। ओके, तो ये कुकर में डाल के मैंने ये दाल 2-3 बार अच्छे से वॉश कर ली है, ठीक है। और इसमें हम मिलाते हैं अब पानी। इसमें करीब ये आधा कटोरी दाल थी और इसमें हमने करीब इसमें डेढ़ गिलास पानी मिला लिया है। ओके, और मैं दिखाती हूँ आपको, आज मैं दाल के साथ आपको चावल बना के भी दिखाऊंगी। ओके, तो देखिए ये चावल है, ये चावल मैं दिखाती हूँ आपको। ये चावल है, इनको मैंने करीब 5 मिनट के लिए भूख रख दिया है और मैंने इसे 2-3 बार अच्छे से वॉश किया है। और मैं इसमें, ये 1 कटोरी चावल है तो मैं इसमें 2 कटोरी पानी मिलाऊंगी। ओके, अंदाज से मैंने इसमें 2 कटोरी पानी मिला दिया है। ओके, और दाल में मैं क्या डालती हूँ आपको दिखाती हूँ। अगर आप बहुत थके हुए घर पर आए हैं और आप ज्यादा ताम झाम नहीं कर सकते हैं, तो आपको झटपट दाल चावल बनाने का तरीका मैं आज को आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस जो हमने जो दाल धो के रखी है, इस दाल में हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे सबसे पहले, देखो इसमें मैंने 1 टमाटर काटा है, 1 हरी मिर्च और ये कुछ मटर है। इन सबको हम डाल देंगे। मटर मैंने डाल दिए और ये हरी मिर्च को भी मैंने डाल दिया और टमाटर को भी मैंने इस दाल में डाल दिया है। ओके, और इसके बाद हम इसमें डालेंगे क्या, अब देखिए मैं क्या डालती हूँ। इसके बाद हम डालेंगे इसमें सॉल्ट, 1 चम्मच मैंने इसमें नमक डाल दिया है। आप इतना जितना खाएं आप उतना ही डालें, ज्यादा ना डालें, थोड़ा कम ही डालें, क्योंकि नमक जितना कम खाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा। ओके, इसके बाद हम इसमें क्या डालेंगे, इसमें डालेंगे हम ये टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर है। ये हल्दी पाउडर 1 छोटा चम्मच, 1 चम्मच मैंने डाल दिया है, 1 छोटा चम्मच है ये। ओके, इसके बाद हम इसमें क्या डालते हैं, इसमें डालते हैं हम ये है हमारा रेड चिली पाउडर। इसमें 1/4 चम्मच मैंने रेड चिली पाउडर डाला है, क्योंकि इसमें मैंने हरी मिर्च काट के डाली है तो उसके हिसाब से मैंने इसमें मिर्च कमी रखी है, आप भी कमी रखिए। ओके, और इसमें मैंने ये 1/4 चम्मच गरम मसाला डाल दिया है। ओके, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर। और इसके बाद मैं इसमें क्या डालने वाली हूँ, इसके बाद मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा ये इसमें धनिया पाउडर है, ये धनिया पाउडर मैं इसमें थोड़ा सा डाल देती हूँ। और थोड़ा सा इसके बाद क्या डालती हूँ, जो मैंने राइस लिए हैं राइस, तो इस राइस को मैं इसमें भी थोड़ा सा मैं नमक ऐड करने वाली हूँ, क्योंकि दाल के साथ में फीके चावल अच्छे नहीं लगते मुझे, तो अपनी बता रही हूँ मुझे अच्छे नहीं लगते। तो ठीक है, मैंने इसमें आधा चम्मच ये नमक भी डाल लिया है। और इसके बाद मैं इन चावलों को मैं ढक देती हूँ, ठीक है। इन चावलों को मैंने एक छोटी प्लेट ली है, उससे मैंने ये ढक के और मैं इसी कुकर में इनको रखने वाली हूँ, और इसी कुकर में मैंने इनको रख दिया है। ओके, और इसमें कर देती हूँ मैं अब फ्लेम चालू, फ्लेम को कर दिया है मैंने चालू। ओके, और इस कुकर को रख देती हूँ गैस पर, और इसमें दाल भी रखी है और इसमें चावल भी रखे हैं, और इसको मैं अब कर देती हूँ कुकर का बंद। ओके, कुकर कर दिया मैंने ये बंद। ओके, ये मैंने कुकर बंद कर दिया है, और इसे मैं 1 सीटी आने तक मैं इसका वेट करती हूँ। 1 सीटी आने के बाद में हम आपसे मिलते हैं। ओके, और जब तक हमारे दाल चावल कुकर में रखे हैं, सीटी इसमें भी बनी हुई है, 1 सीटी मैंने लगा दी है, तब तक हम आटा भी मल लेते हैं, ठीक है। तो आटा हम मल रहे हैं। देखिए, आप बहुत ही थके हारे ऑफिस से आए हैं, कहीं से भी आए हैं, और आपका बहुत ही झटपट सब कुछ करने का दिल है, ज्यादा ताम झाम करने का दिल नहीं है, तो आप इस रेसिपी को जरूर करिए ट्राई, तो आप हो जाएंगे थोड़ा सा टेंशन फ्री, क्योंकि ये सब कुछ बहुत ही जल्दी बनने वाला है। इसमें बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। थोड़ा सा मैं आटा भी से रेडी कर लेती हूँ। ओके, ये आटा कर लिया है मैंने रेडी।
आटा मैंने मल के, मेरा आटा रेडी है, इसे रख देती हूँ मैं एक साइड में, ठीक है। और करती हूँ कुकर में गैस को खत्म होने का इंतजार। जब तक हमारी दाल में सीटी है तब तक हम रोटियां बना लेते हैं। ओके, रोटियां बनाना करते हैं स्टार्ट। जब तक हमारी दाल में है थोड़ी सी सीटी, इसके लिए हम बनाते हैं, सबसे पहले रोटियां बनाते हैं। देखिए हम बना रहे हैं रोटियां। तवे पर दूसरी रोटी बना रहे हैं। चलो देखिए दूसरी रोटी हम बना रहे हैं। आप इसी तरह दाल चावल हमारे इसमें बन चुके हैं और रोटियां हमारी यहाँ बन रही है। इस तरह आप बहुत जल्दी जल्दी अपने काम खत्म कर सकते हो। पलट देते हैं और इसे सेकना देते हैं। चालू गैस को कर देते हैं हाई। ओके, रोटी को हमारी सेक चुकी है। देखिए हमारी सेक के है एकदम रेडी रेडी शीटी। आप देखिए हमारी रोटी ये कैसी बनी है। ओके, आप देख रहे हैं जब आप जल्दीबाजी में सब कुछ कर रहे हैं तो ये सब जल्दी बनने वाला है। ये रोटी हमारी अच्छी है। अब देख लेते हैं कि हमने कुकर में आज क्या बनाया है। ओके, मैं दिखाती हूँ। अंदर कुकर को खोलिया है मैंने ऐसे और मैं इसे लोटा हो रहा है अभी गर्म और इसे निकालते हैं हम कपड़े से। देखिए पहले हम इसको ढक्कन खोल लेंगे। ओके, ढक्कन ये खोल लिया है। अब दिखाती हूँ आपको ये मैंने क्या बनाया है। देखो मेरा और आप चावल आप देख सकते हैं, चावल एकदम परफेक्ट बने हैं और दाल भी हमारी एकदम परफेक्ट बनी है। अब लगाते हैं हम तड़का। तड़का करते हैं रेडी। ओके, इसके लिए करते हैं प्लेन। मैंने कर ली है ऑन। इसमें डालेंगे क्या हम, इसमें डालेंगे आधा चम्मच करीब मस्टर्ड ऑयल। ओके, ये डालिया है मैंने मस्टर्ड ऑयल। और इसमें डालेंगे क्या, इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा। देखिए ये जीरा है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जीरा मैंने डाल दिया है। और इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग, थोड़ी सी हींग मैंने डाली है इसमें, थोड़ी सी हींग मैंने डाली है। मेरा हो चुका है रेडी। आप देखिए ऐसे गोल्डन ब्राउन होने तक आप पकाइए। ओके, गोल्डन ब्राउन होने तक पकाइए। हींग की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से और गोल्डन ब्राउन ये हो चुका है। और हम लगाते हैं कुकर में अब तड़का। ये हमारा है, तड़का हो गया है हमारा तैयार। उसके बाद मैंने थोड़ा सा ये हरा धनिया काट के रखा था, आप देख रहे हैं, इसे मैं कर देती हूँ इसमें ऐड। ओके, मैं दिखाती हूँ आपको अपनी दाल का हाल चाल। देखिए मेरी दाल एकदम बहुत अच्छी खुशबू और मुझे हो रहा है एकदम कि मेरे मारे मेरा हो रहा है बहुत हाल बेहाल। मैं दिखाती हूँ आपको कि दाल बनी है। सर्विंग बाउल में पलट के दिखाती हूँ मैं। एकदम रेडी, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है हींग की और एकदम परफेक्ट दाल बनी है। चावल दिखाती हूँ कि चावल कैसे। और ये बनाए हैं मैंने राइस। राइस दिखाती हूँ, राइस का क्या हाल चाल है। देखिए मैं आपको राइस दिखाती हूँ, राइस कैसे बने हैं। देखिए एक एक चावल एकदम खिला हुआ बना है, एक साथ ही दाल चावल एक साथ ही बन गए। इससे गैस की बचत हुई, टाइम की बचत हुई,
झंझट से भी हम बच गए। मैं दिखाती हूँ आपको, देखिए चावल एक एक दाना एकदम खिला खिला है, बहुत ही अच्छे बने हैं। ठीक है, दाल और ये हो गया हमारा चावल, और रोटियाँ भी हैं हमारी एकदम रेडी रेडी। मैं आपको दिखाती हूँ रोटियों के साथ। अब देखिए मैं दिखाती हूँ कि मैंने आपके लिए क्या क्या बनाया है। देखिए ये रोटियाँ हैं, ठीक है रोटियाँ हैं, और ये है आपकी दाल एकदम फटाफट बनने वाली, बहुत ही स्वादिष्ट। और ये बना दिए मैंने आपके लोटे में ही चावल बना दिए, बहुत ही अच्छे चावल बने हैं। और मैं दिखाती हूँ आपको, ये है हरी मिर्ची का अचार, आप तो को मैं दिखाती हूँ। देखिए ये हरी मिर्ची का अचार है, ये मैंने घर पर ही डाला है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको हरी मिर्च के अचार की रेसिपी शेयर करूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ओके, तो दाल चावल है रेडी खाने के लिए तैयार। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके बाय, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। ओके सी यू।